हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिलर्स के क्वेश्चन। इसके पहले भी हमने फिलर्स के क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा है तो उसको देखिएगा जरूर। आज के फिलर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश का, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एसएससी का, जिसमें या एसएससी का दे रहे हैं या बैंक का दे रहे हैं, सब में फिलर्स आते हैं। और ये आपका ये पार्टिकुलर वीडियो उन सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इतना बोलूंगी कि आप लोगों ने अभी तक नहीं शेयर किया है तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? बढ़ेंगे आगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द गर्ल वॉज नॉकेड डाउन बाय अ स्पीडिंग कार एंड शी वॉज लॉस्ट हर डैश इमीडिएटली। कहने का मतलब है कि गर्ल जो है क्या नॉकेड डाउन, एक्सीडेंट हो गया उसका और उसको काफी ज्यादा क्या लगी, चोट लगी, जिसकी वजह से डैश इमीडिएटली ऐसा कुछ हो गया उसके साथ। अब डैश में क्या आ सकता है? डैश में कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा। अब यहाँ नेगेटिव वर्ड आएगा आपका, लेकिन क्या आ सकता है? थोड़ा सा हम ग्रामर में घुसेंगे तो हमको आराम से यहाँ पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड यहाँ आ सकता है, ठीक है? वर्ड नेगेटिव होगा। यहाँ क्या आ सकता है? ये हर क्या है आपका? हर आपका है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है? अगर यहाँ हर्स होता यहाँ, तो यहाँ हम कोई वर्ब यूज करते हैं, लेकिन ये हर है जो क्या है एडजेक्टिव है, तो यहाँ इसके बाद क्या आएगा? कोई नाउन आएगा। इसका मतलब इसमें, इस ब्लैंक में कोई नेगेटिव नाउन आने वाला है। क्लियर? इतना गेस तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है? क्योंकि लड़की को चोट लगी है तो कोई ऐसी घटना हुई होगी जो अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम उसी घटना को यहाँ लिखेंगे, लेकिन वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, उस वर्ड को जो यूज करेंगे वो हमारा नाउन होगा, ठीक है? कॉन्सियस आपका पहला वर्ड है यहाँ पर, और ये आपका क्या होता है? ये आपका नाउन होता है, ये आपका नाउन है। ओ यू एस वाले जो भी वर्ड होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, तो यानी ये भी एडजेक्टिव है और ये भी हमारा एडजेक्टिव है, और ये पार्टिकुलर वर्ड हमारा नेस। नेस जहां भी लास्ट में होता है, काइंडनेस, एवरीथिंग, जिसमें भी लास्ट में सफिक्स होता है, नेस होगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर पहला आपका नाउन है और ये लास्ट वाला आपका नाउन है, यानी कि ये दोनों आपके नहीं होने वाले हैं, तो कौन सा वर्ड यहाँ पर एप्रोप्रिएट है? कॉन्सियंस का मतलब होता है यहाँ पर अंतरात्मा, अंतरात्मा। अगर उसको चोट लगा तो उसकी अंतरात्मा में क्या हुआ? इमीडिएटली सेंस नहीं बन रहा ना, यानी कि ये पहला वाला आपका नहीं होगा, ठीक है? कॉन्सियसनेस का मतलब होता है होश, और उसको जब चोट लगा तो वो अपने होश खो बैठी इमीडिएटली, ठीक है? तो यानी कि ऑप्शन में आपका कौन सा करेक्ट होगा? डी होगा। और ये नाउन भी है, कॉन्सियसनेस होश होता है, चोट लगने के बाद वो बेहोश हो गई शीघ्र ही, यही आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर? आंसर बन जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड आपको हेल्प करेगा किस तरीके से कि आप क्या वहां पर क्या यूज करो, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। आई हैव नो डैश मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, ठीक है? एडवाइस क्या है आपका? नाउन है। और ये दिस क्या है? ये डिटरमिनर है, आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो क्योंकि ये इस नाउन के पहले लगा है, ठीक है? और डिटरमिनर आपके एडजेक्टिव ही होते हैं। चलो अब यहाँ पर क्या हो सकता है ऑप्शन में? आई हैव नो, ऑप्शन एलिमिनेट करें। पहला है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्या होता है? पिछला पार्ट बोलते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, बैक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर बोलते हैं। वी हैव वर्ड इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, इंटरनल, ठीक है? अल्टीरियर का मतलब क्या होता है? अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ, क्लैडेस्टाइन। वी हैव वर्ड एक्सटीरियर। सो ये आपका सिनोनिम एंटोनिम इंटीरियर एक्सटीरियर बन जाता है, अंदर बाहर। एक्सटीरियर इंटीरियर क्या है यहाँ पर? आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा अल्टीरियर, यानी कि आई हैव नो अल्टीरियर मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस। मेरा कोई छुपा है यहाँ पर मोटिव नहीं है इस एडवाइस को देने का। अल्टीरियर विल बी दिस सुटेबल ऑप्शन हियर, ठीक है? अल्टीरियर का मतलब होता क्या है? हिडन होता है। मैं लिख भी देती हूँ यहां से, आपकी वकैब भी अच्छी हो जाएगी। हिडन और क्या? क्लैडेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव किया जाए। द वर्क वॉज डैश बाय द रेन्स। वर्क बारिश की वजह से क्या हो गया? अब बारिश अगर हो रही है तो काम तो होगा नहीं, है तो हमें पता है, यानी कि कोई नेगेटिव आएगा यहाँ पर, कुछ ऐसा है जो नेगेटिव आएगा। चलो डिसाइड कर लेते हैं क्या आएगा। रेस्ट्रिक्टेड, प्रिवेंटेड, हैम्पर्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड। क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है लिमिट, लिमिट करना, किसी चीज को लिमिट में ले आना। प्रिवेंट का मतलब होता है कोई काम होने तो जा रहा है लेकिन आप उसको स्टॉप कर दे रहे हैं।
प्रिवेंट का मतलब होता है अभी काम हुआ नहीं है, होने से पहले आपने उसको क्या किया, आपने उसको स्टॉप किया, ठीक है। अभी देखते हैं सेंस क्या बनेगा। हैम्पर्ड का मतलब होता है, हैम्पर्ड का मतलब होता है क्या, ऑब्स्ट्रक्शन। ये हैम्पर्ड वर्ड जो होता है ये यूज किया जाता है शॉर्ट टाइम के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कि कुछ देरी का जो है बाधा हुआ है किसी काम में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है, बैरिकेटिंग करना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड जैसे बैरिकेटिंग किया जिसमें बाधा आ गई, मान लिया कोई काम करने जा रहे हैं और वहां पर कोई ऐसे जो है बैरिकेटिंग हो गया जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई इंसान ऑब्स्ट्रक्शन है आपके काम के लिए जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का जो आंसर बनेगा गाइस वो आपका क्या बनेगा, सी ऑप्शन, हैम्पर्ड, ठीक है। द वर्क वॉज हैम्पर्ड बाय द रेन, यानी कि रेन की वजह से कुछ समय के लिए कार्य क्या हो गया, बाधित हो गया, कार्य नहीं हो सका, ठीक है। हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी डैश, आपको पता है कि जितने लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा उन्होंने आंसर कर दिया होगा, क्योंकि हम लोग जनरली ये स्टेटमेंट यूज करते हैं, लेकिन आज हमें ऑप्शन से एलिमिनेट कैसे करना है हम ये सीखेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जब तक आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकेंगे तब तक आपका सही आंसर में पहुंचते पहुंचते भी आपको लगेगा कि आप सही आंसर पे क्या, एलिमिनेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपका पहला यहाँ पर है डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है थ्रो आउट करना, फेंक देना, थ्रो आउट करना, ठीक है। डिस्पोज का भी वही सेंस आता है, डिस्पोज का मतलब क्या होता है, थ्रो आउट कर देना। आजकल हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्पोज करते हैं, यानी कि जैसे एक होता है आपका डिस्पोजल ग्लास, तो वो भी क्या है, आप थ्रो आउट कर देते हैं। डिस्पोज कर देना यानी सेल कर देना, डिस्पोज यानी बेच देना, ठीक है, डिस्पोज यानी कि फेंक देना, तो डिस्कार्डेड और डिस्पोज एक ही सेंस देता है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, ठीक है, इग्नोर करना, अवॉइड करना। और डिटेस्टेड का मतलब होता है हेट करना, ठीक है, किसी से हेट करना, घृणा करना। तो यहाँ क्या हो सकता है, हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट टू बी व्हाट, टू बी नेग्लेक्टेड, यानी कि हेल्थ इज टू इम्पोर्टेंट, हेल्थ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी के साथ हम कुछ और देखेंगे, डिस्कस करेंगे, इसी क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके छिपे हुए हैं, फटाफट से आ जाते हैं। देखो ये जो टू है आपका, ये टू क्या है, ये टू कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये टू आपका क्या है, एडवर्ब है। हमें क्या पता है कि ये जो एडवर्ब है, क्योंकि हम मानते हैं जनरली क्या है कि ये जो एडवर्ब है ये आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये एक्सेसिव का सेंस देता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये आपका एडवर्ब है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मीनिंग होता है, कब होता है नेगेटिव कब होता है पॉजिटिव हम ये देखेंगे। टू कब नेगेटिव होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं यहाँ पर, एक स्टेटमेंट, शी इज टू वीक, और मैं लिखू दूसरा, ही इज टू स्मार्ट। अब आप देखिए यहां पर शी इज टू वीक, ये आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है टू यहां पर, ठीक है, और ही इज टू स्मार्ट ये यहां पर पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब आपका कब नेगेटिव होगा, ऐसे भी अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप ये, आप जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रही हूं इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे। कैसे, सी इज टू वीक, अगर मैं आगे एक स्टेटमेंट ऐड करूं, सी इज टू वीक टू वॉक, वो इतनी ज्यादा वीक है कि वो चल नहीं पाएगी, सी इज टू वीक टू वॉक। तो जब भी टू के साथ टू आएगा, जब भी टू के साथ में टू आएगा तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, और केवल अगर टू आ रहा है तो वो पॉजिटिव होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बताऊं आपको तो ये क्या है, सी है, ठीक है। व्हाट आर डैश हॉलीडे, आंसर है आपका, आंसर आपका ऑप्शन है मोमेंटस, मेमोरेबल, मोमेंट्री एंड इमोर्टल। इमोर्टल क्या होता है, इमोर्टल बोलते हैं अमर, ठीक है, जैसे कि मैन इज मॉर्टल एंड गॉड इज इमोर्टल, कई बार यूज भी करते हैं। मोमेंट्री का मतलब होता है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए क्षणिक जो होता है, ठीक है। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, और मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अब यहां पर क्या हो सकता है, व्हाट अ हॉलीडे, व्हाट अ हॉलीडे, मेमोरेबल, ठीक है, आपका आंसर क्या बनेगा, मेमोरेबल, व्हाट अ मेमोरेबल हॉलीडे, ठीक है। One of the reasons the impressionist caused such a scandal was that their colors were too bright. ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या ऑप्शन में हम करेंगे, देखो अब ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करना है मैं बताती हूँ।
वॉज आया है, यहाँ पर कोई मेन वर्ब आ सकती है, कंजंक्शन भी आ सकता है यहाँ पर, लेकिन आएगा क्या हम आगे वाले सेंटेंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। वन ऑफ के साथ में यहाँ पर प्लूरल नाउन आया है, ठीक है। द इंप्रेशनिस्ट कॉज सच अ स्कैंडल वॉज देयर कलर्स, कलर आपका क्या है, कलर्स यहाँ पर नाउन है, सब्जेक्ट है कलर यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस में, और ये वर्ब क्या है, वर्ब है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं, ठीक है, क्लॉज बनाते हैं, याद रखिएगा। बिकॉज ऑफ विच आपका आंसर नहीं बनेगा, इसका मतलब होता है जिसकी वजह से, ठीक है। अभी बताती हूँ क्यों नहीं बनेगा। ड्यू टू क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है। बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है। ऑफ का यहाँ प्रपोजिशन है, नहीं आएगा प्रपोजिशन, ठीक है। ड्यू टू क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, और बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है। आपको बता दूं मैं कि दोनों का सेंस एक ही होता है। ड्यू टू और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, किस कारण से, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ड्यू टू आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। आपको मैं बता दूं कि प्रपोजिशन जो होता है, ऑफ और ये ड्यू टू क्यों नहीं आ सकते हैं, जो प्रपोजिशन होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, और जो कंजंक्शन होता है वो किसी क्लॉज सेंटेंस को, वर्ड को, दोनों को, इन सबको लिंक कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। वॉज बिकॉज देयर कलर्स वर टू ब्राइट, क्लियर है इतनी बात। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज हो जाएगा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव, ही इज टास्क दिस क्राइम, ही इज टास्क दिस क्राइम, क्या है क्राइम, क्राइम क्या है और क्या यहाँ पर यूज करना है। वी हैव ऑप्शन इग्नोरेंट ऑन, इनोसेंट ऑफ, इन डिबेटेड टू, ठीक है, इनडेप्टेड टू, इग्नोरिंग, ठीक है, इग्नोरिंग नहीं होगा यहाँ पर। इनडेप्टेड टू का मतलब क्या होता है, आभारी, जैसे आई एम इनडेप्टेड टू योर हेल्प, आभारी इसका मतलब होता है। इनोसेंट का मतलब होता है निरअपराध, जिसने कोई अपराध ही ना किया हो। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि मतलब जिसे कोई पता ही ना हो, जिसे किसी भी बात का पता ही ना हो, इग्नोरेंट, ठीक है। अब देखो इनोसेंट के साथ ऑफ आता है, इनोसेंट के साथ ऑफ आता है, इग्नोरेंट के साथ ऑन नहीं आएगा, ठीक है। इग्नोरेंट के साथ कभी भी ऑन प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, अगर इग्नोर यहाँ ऑन नहीं होता तो चल जाता, इग्नोरेंट के साथ ऑफ होता तो चल जाता, लेकिन इग्नोरेंट के साथ ऑन है तो नहीं होगा। ये आंसर क्या आंसर आपका होगा, इनोसेंट ऑफ, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इनोसेंट के साथ जब भी प्रपोजिशन आएगा आपका क्या आएगा, ऑफ आएगा, रिमेम्बर दैट, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। इनडेप्टेड टू नहीं होगा क्योंकि ही इज इनडेप्टेड टू दिस क्राइम, सेंस नहीं बन रहा है ना कि वो इस क्राइम का आभारी है, कि वो उसने क्राइम कर दिया तो इस बात का वो बहुत आभारी है, सेंस ही नहीं बन रहा है। नेक्स्ट वी हैव, द बॉय वॉज गैस ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, अक्यूज्ड, कंडेम्ड, चार्ज एंड पनिश्ड, क्या हो जाएगा आंसर, अक्यूज्ड। देखो यहाँ जब भी आप ये फिलर्स वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो वोकैबुलरी तो आपकी वहां पर देखी जाएगी, वोकैबुलरी अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो भी आप आंसर्स को एलिमिनेट कर जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपना सेंटेंस भी देखना है, सेंटेंस ग्रामर के सेंस में आपको काफी हेल्प करेगा, आपको अपना प्रेपोजिशन भी देखना है, प्रेपोजिशन आपको काफी हेल्प करेगा कि आने वाले इसके पहले वाला वर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए पनिस्ट के साथ, पनिस्ट, पनिस्ट मतलब क्या होता है, सजा देना, पनिस्ट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन क्या आएगा, फॉर आएगा। सो द बॉय वॉज पनिस्ट फॉर चीटिंग, अगर होता है, अगर यहाँ ऑफ की जगह फॉर होता तो पनिस्ट का यहाँ पर एकदम एप्रोप्रिएट सेंस देता यहाँ पर, और ये आंसर होता, बट ये यहाँ ऑफ है तो नहीं होगा, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हुआ। चार्ज्ड, चार्ज जो वर्ड है ये आपका फीस के लिए भी यूज किया जाता है और क्राइम के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। कब ये क्राइम के लिए यूज किया जाएगा, कब ये किसी एंटरटेनमेंट या किसी भी चीज की फीस के लिए यूज किया जाएगा, वो हम फिक्स करते हैं अपने प्रपोजिशन का यूज करके। जैसे अगर चार्ज के साथ में, चार्ज के साथ अगर विद का यूज किया गया है तो मतलब ये किसी दोष के लिए यूज किया गया है, किसी क्राइम के लिए यूज किया गया है, और चार्ज के साथ अगर फॉर प्रपोजिशन का यूज किया गया है तो ये किसी फीस के लिए यूज किया गया है, ठीक है। चार्ज के साथ अगर विद प्रपोजिशन का यूज किया गया है तो ये किसी दोष के लिए, ठीक है, यूज किया गया है, यानी किसी क्राइम के लिए यूज किया गया है, और चार्ज के साथ अगर फॉर का यूज किया गया है तो ये किसी
फीस के लिए किसी मतलब किसी भी फीस के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर चार्ज के साथ ना ही विद है ना ही फॉर है, ऑफ का यूज प्रेपोजिशन में हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। कंडेम्ड के साथ में ऑफ कभी भी नहीं आता है तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। और फिलहाल इसका मतलब क्या होता है, घृणा करना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराध, और बच्चे ने क्या किया, एक्यूज्ड के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो होता क्या है, ऑफ होता है। एक्यूज्ड के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आएगा, द बॉय वॉज एक्यूज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट, पहला वाला। ठीक है, एक्यूज्ड ऑफ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। लास्ट ईयर माय कंपनी मेड अ डैश ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीस। ठीक है, सेवरल लैक्स ऑफ रुपीस। अब देखो ऑप्शन में है प्रॉफिट, गेन, रेज और राइज। रेज और राइज आपके क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। रेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, बढ़ाना, और राइज का मतलब क्या होता है, उठना, उगना। उठना और उगने के सेंस में हम राइज का यूज करते हैं, और उठाना और उठाना के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, रेज का यूज करते हैं। तो फिलहाल ये तो दोनों यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। गेन और प्रॉफिट दोनों का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। कब हम प्रॉफिट बोलते हैं, कब हम गेन बोलते हैं, ये समझने वाली बात है। देखो जब कभी मॉनेटरी लाभ के बारे में बात करेंगे तब हम प्रॉफिट यूज करेंगे, लेकिन जो गेन होता है, गेन का मतलब होता है पाना, और ये गेन आपका किसी भी सेंस में आप यूज कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, चाहे आप पढ़ने लिखने, चाहे नॉलेज का सेंस हो, या कोई भी फील्ड हो जिसमें आपको लाभ हो रहा है, मॉनेटरी नहीं, कोई भी फील्ड हो, अगर आपको वहां कोई लाभ हो रहा है तो आप गेन बोल सकते हैं। लेकिन केवल मॉनेटरी फील्ड में हम क्या बोलते हैं कि मुझे अगर लाभ हुआ है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट यूज करेंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लैक्स ऑफ रुपीज की बात कर रहे हैं हम। सो मेड अ प्रॉफिट ऑफ सेवरल लैक्स ऑफ रुपीज। ठीक है, चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी डैश सेंट टू स्कूल। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी डैश सेंट टू स्कूल, यानी कि जो 14 ईयर से छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाना चाहिए, मैंडेटरी के सेंस में आ रहा है ना। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड आएगा डैश जो कि क्या करे, जो बताए कि इंपॉर्टेंट कितनी है, क्या चीज है, मैंडेटरी है करने को बच्चों के लिए। ठीक है, कंपेल क्या है गाइस, कंपेल आपका वर्ब है। ठीक है, कंपेल आपका वर्ब है, और इसका मतलब क्या होता है, किसी को फोर्सफुली कोई काम कराना, किसी को बाध्य करना। We have word compulsory. Compulsory क्या है आपका, adjective है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है mandatory, यानी जरूरी, important। Compulsively का मतलब होता है क्या, forcefully, ये आपका क्या है, adverb है, और compulsorily का मतलब क्या है, ये compulsorily आपका क्या है, ये भी आपका adverb है, इसका मतलब होता है mandatory, important। कंपल्सरी का ये, यानी इस एडजेक्टिव कंपल्सरी का ये एडवर्ब होता है कंपल्सरीली। ठीक है, अब डिसाइड कर लो कि एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। देखो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, पहली चीज तो मैं बता दूं कि कंपेल वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि शुड, देखो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कंपेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी चीज, हम बच्चे को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, बच्चे को बहला फुसला के स्कूल भेजेंगे, तो कंपेल यहाँ नेगेटिव है, ये भी नहीं हो जाएगा। कंपल्सरीली, कंपल्सरी एडजेक्टिव है आपका। शुड बी यहाँ क्या होना चाहिए था, देखो सेंट है ना, सेंट क्या है, वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो हमारा वर्ड होता है वो होता है एडवर्ब, तो ये कंपल्सरी तो एडजेक्टिव है, यानी कि ये भी एलिमिनेट हुआ। कंपल्सिवली यानी ये भी, ये तो एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बाध्य करना, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी एलिमिनेट हुआ क्योंकि नेगेटिव सेंस दे रहा है। कंपल्सरीली यहाँ पर आपका एडवर्ब यहाँ पर करेक्ट होगा। बच्चे को क्या किया जाए, बच्चे को स्कूल भेजना क्या है, जरूरी है, बच्चे को स्कूल भेजना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, डी कंपल्सरीली। ठीक है, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लिंक को शेयर करिएगा, बहुत मेहनत से मैं क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ और बहुत कॉन्सेप्ट को मैं डीप जाके समझाती हूँ कि अगर आपने अगर कुछ भी अपना लेसन मिस किया है साल में, आपने अगर नहीं सही से पढ़ाई की है तो भी आप इन क्वेश्चंस के थ्रू काफी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं।
ऐसा मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ तो मैं बहुत धन्य अपने आप को मानूंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस लिंक को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन तक पहुंचे। अगर वो देखेंगे, वो भी शेयर करेंगे, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन है आपका। अनलाइक मोस्ट रूलर्स इन दैट डस इज अकबर बिलीव इन रिलीजियस टॉलरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आप लोग ऑप्शंस के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि देखिए ऑप्शन कितने ज्यादा यहाँ पर सिमिलर है। एशियंट, हिस्टोरिकल, फेडुअल एंड बायगोटेड कितने ज्यादा सिमिलर है, और इसके थ्रू आप क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिलेट करना है, सेंस के साथ आपको अपने ऑप्शन को रिलेट करना है। ठीक है, अनलाइक का मतलब होता है के ना जैसा, अनलाइक का मतलब होता है डिसिमिलर। ठीक है, डिसिमिलर मोस्ट रूलर्स इन दैट इज डस इज अकबर बिलीव इन रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब होता है सारे धर्मों को मानना, सारे धर्मों को मानना। ठीक है, अकबर एक ऐसा अपने एज का था कि जो सारे रूलर्स से अलग था और वो सारे धर्मों को मानता था, सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, In that age आपका क्या है, noun है in that age। अब इसके पहले क्या आ सकता है, ancient का मतलब क्या होता है, प्राचीन। historical का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक। feudal का मतलब होता है जमींदारी प्रथा, और bigoted का मतलब होता है धर्म, यानी कट्टरपंथी, सॉरी कट्टरपंथ होना, बहुत ही टफ होना, बहुत स्टॉन्च होना किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को लेकर के। क्या हो सकता है यहाँ पर, देखो रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही है ना, यानी कि वो क्या करता था, वो सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता था। कौन, अकबर करता था, और वो सारे रूलर्स से अपने टाइम के सारे रूलर्स से वो अलग था। तो यहाँ धर्म की बात हो रही है, और धर्म से रिलेट हमारा कौन सा वर्ड कर रहा है, बायगॉटेड कर रहा है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। द पार्टी फेल्ड टू डैश इनफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग्स इट्स ट्रेडिशनल वोटर्स टू द पोलिंग बूथ्स। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। पार्टी फेल हो चुकी, किस चीज को लेकर के फेल हुई पार्टी, इनफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग्स इट्स ट्रेडिशनल वोटर्स, यानी कि अपने जो उसके ऐतिहासिक वोटर्स थे, उसके जो पुराने वोटर्स थे, उनको वो ले आने में कहां तक ले आने में, पोलिंग बूथ तक ले आने में उसको क्या रही, असफल रही। यानी कि जो उसके पुराने ट्रेडिशनल उसके जो वोटर्स थे, उनको पोलिंग बूथ तक वो नहीं ले आ सकी, इस बात में वो असफल रही। ठीक है, अब देखो द पार्टी फेल टू डैश टू के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, इनफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग्स इट ट्रेडिशनल वोटर्स टू द पोलिंग बूथ्स, क्या हो जाएगा, कलेक्ट, मैनेज, मोबिलाइज और असेंबल। तीनों का मतलब क्या होता है, संग्रह करना। यहां पर वॉलंटियर्स को, यहां पर जो वॉलंटियर्स हैं उनको संग्रह करने की, उन सारे वोटर्स को इकट्ठा एकत्रित करने की बात हो रही है, कि उनको हम इकट्ठा एकत्रित नहीं कर पाए कहां तक ले जाने में, पोलिंग बूथ तक ले जाने में। यही तो बात हो रही है कि उसके जो पुराने ट्रेडिशनल वोटर्स थे, उनको पोलिंग बूथ तक हम एकत्रित नहीं कर पाए, उनको इकट्ठा नहीं कर पाए। अब देखो कलेक्ट का भी वही मतलब होता है, मैनेज का भी वही मतलब होता है, मोबिलाइज का भी वही मतलब होता है, और असेंबल का वही मतलब होता है। हुए ना कंफ्यूज, मुझे पता था। असेंबल का मतलब होता है एक ही जगह पर एकत्रित करना, ठीक है, बनता है। मोबिलाइज का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है, जैसे मोबाइल से ही आप समझ सकते हो, मोबाइल को एक जगह दूसरी जगह पर हम मूव कर सकते हैं, वैसे आपका मोबिलाइज है मूवमेंट, जिसका मतलब होता है। तो यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल वोटर्स थे, उनको हम मूव नहीं करा पाए कहां तक, पोलिंग बूथ जाने में। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो इस सारे दोनों से, आई मीन तीनों ऑप्शन से क्या है, बहुत ही डिफरेंट है। आपका सी ऑप्शन बनेगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, मोबिलाइज, यानी कि जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे, उनको हम मोबिलाइज नहीं करा सके पोलिंग बूथ तक। ठीक है, 13 पे बढ़ेंगे। एट द मीटिंग द स्कूल काउंसलर विल डैश मी सम ऑफ माय करियर ऑप्शंस, एडवाइज, स्पीक, से और लिसन। हुए ना कंफ्यूज, मुझे पता था। एट द मीटिंग द स्कूल काउंसलर, यानी स्कूल के काउंसलर मीटिंग के समय विल डैश मी सम ऑफ माय करियर ऑप्शन, वो मुझे कुछ देंगे करियर ऑप्शन में, कुछ बोलेंगे मेरे लिए मेरे करियर के बारे में। क्या हो सकता है आंसर, बताएं फटाफट से, क्या बोलेंगे वो, क्या हो सकता है इसमें। अब देखो कैसे हम डिसाइड करेंगे, हमने कहा था कि आपको प्रेपोजिशन, आपको थोड़ा ग्रामर में घुसना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ाई की है तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझोगे, और अगर जिसने ग्रामर की बुक भी नहीं छुई है वो भी इस क्वेश्चन को देखेंगे, उनको भी बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, अब देखो लिसन क्या है, लिसन आपका इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके साथ प्रेपोजिशन हमेशा क्या आता है, टू आता है, लिसन के साथ प्रेपोजिशन टू आएगा। जैसे आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग, ठीक है, आई एम लिसनिंग टू हर, ठीक है, लिसनिंग के साथ प्रेपोजिशन टू आएगा।
से के साथ भी प्रेपोजिशन क्या आता है, टू आता है। जैसे आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, से के साथ प्रेपोजिशन हमेशा टू आएगा। स्पीक के साथ भी प्रेपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। यहाँ टू है कोई प्रेपोजिशन नहीं है ना, तो यानी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। एडवाइस क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। एडवाइस मी होगा, ठीक है, एडवाइस्ड मी होगा। लेकिन अगर वहां एडवाइस नहीं होता, क्या होता, सजेशन होता या सजेस्टेड होता, तो हम प्रेपोजिशन वहां पर क्या लगाते, टू लगाते। सजेस्टेड के साथ टू आता है, एडवाइस आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। नेक्स्ट मूव करेंगे, यानी आंसर आपका क्या बनेगा, फर्स्ट बनेगा, रिचुअल्स प्ले इनटू द डैश अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। रिचुअल्स यानी रीति रिवाज जो है प्ले करते हैं, एक अच्छा रोल प्ले करते हैं अंडरस्टैंड करने में, सोसाइटी के कानून को, सोसाइटी की चीजों को समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग क्या है गाइस, अंडरस्टैंडिंग आपका नाउन है, और द ये जो आया है, ये जो आर्टिकल आया है, ये इस नाउन के लिए आया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, द डैश नाउन, यहां जो आएगा कोई एडजेक्टिव ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात। टैसिटर्न क्या है, टैसिटर्न आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है रिजर्व्ड, यानी कि चुपचाप, वो इंसान जो अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करता हो, दैट पर्सन इज नोन एज टैसिटर्न। टैसिट, टैसिट आपका क्या है, टैसिट आपका है एडजेक्टिव, टैसिट आपका क्या है एडजेक्टिव। अभी बताती हूँ मैं इसका मतलब क्या होता है, पहले यहां देख लो, टैक्टिली, टैक्टिली का मतलब क्या होता है, इसको टैक्टिली या टैसिटिली बोलो, टैसिटिली का मतलब होता है चुपके से, चुपके से कोई काम करना, चुपके से कोई काम करना, और ये आपका क्या है एडवर्ब है। और नीचे वाला टैक्टफुली मतलब चतुरता, टैक्टफुली मतलब चतुरता से कोई काम करना, ठीक है। सो ये दोनों आपके क्या है एडवर्ब्स हैं, तो इस वजह से ये दोनों तो निकल गए, ये दोनों नहीं होंगे, यहां हमें एडजेक्टिव चाहिए। टैसिट और टैसिटर्न में से क्या हो सकता है, टैसिटर्न का मतलब होता है चुप्पा, या ऐसा कोई इंसान जो अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस कर पाता हो। टैसिट का मतलब होता है वो इंसान जो बिना बोले ही बहुत कुछ बोल देता हो, जिसको बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टैसिट बोलते हैं। सो रिचुअल्स प्ले इनटू द टैसिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। रिचुअल बोलेगा बिल्कुल नहीं, वो क्या है, रिचुअल्स बोलते नहीं है, उनको हम समझ जाते हैं, जहां भी जैसे भी रिचुअल होता है उस चीज से हम ये अनुभव कर लेते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे हैं, तो हम रिचुअल्स से लोगों के बारे में क्या समझ जाते हैं, लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, टैसिट बन जाएगा, बी ऑप्शन। टैसिट का मतलब होता है कि हम बिना बोले अगर कोई चीज को एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज टैसिट। ओके, ऑल दो द स्कूल लंच पास द लीगल स्टैंडर्ड्स, डैश और नॉट इट इज हेल्दी इज डिबेटेबल। यानी स्कूल लंच पास होने के बाद से ये जो है एक डिबेटेबल सा फैक्ट रहा कि हेल्दी है लंच, जो भी स्टैंडर्ड उनको लंच कराया गया, जो भी अच्छा खासा उनको लंच कराया गया, इसके थ्रू ये समझने की बात तो बोली जा रही है कि लंच आपका कैसा रहा, हेल्दी रहा कि नहीं रहा, इस बात का डिबेट चल रहा है, यानी कि डाउट है यहाँ पर, अभी डाउट है यहाँ पर। इस वाले सेंटेंस में डाउट की बात की जा रही है कि लंच पास होने के बाद से लीगल स्टैंडर्ड्स में ये डाउट चल रहा है कि लंच हेल्दी था कि अनहेल्दी था। ऑप्शन है वेदर, इधर वेदर और इफ। ये वेदर तो मौसम के लिए होता है, क्यों, मौसम क्लाइमेट ये पता करने के लिए, तो ये तो नहीं हुआ। इफ क्या है, कंजंक्शन है। इधर देखो डाउट की बात हो रही है ना, और आया है, इधर के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन और, इधर के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन और, लेकिन यहाँ डाउट की बात हो रही है, और डाउट में कभी भी हम इधर का यूज नहीं करते, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ, वेदर आया है। वेदर और इफ का यूज हम डाउट के लिए करते हैं, बट फिलहाल यहाँ हमने देखा कि और का यूज हुआ है, तो दिमाग हमारा चेंज हो गया, हम डाउट में वेदर और इफ का यूज करते हैं, लेकिन जब और देखा तो दिमाग चेंज हो गया, क्योंकि वेदर के साथ और कर सकते हैं, इफ के साथ कभी भी और का यूज नहीं होता है, तो यानी कि इफ भी एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या बनेगा, वेदर बनेगा। क्लियर इतनी बात, जहां भी डाउट का सेंस आए हम वेदर और का यूज करते हैं, ठीक है। She is too dash to do anything against her family. She is too dash. वो इतनी ज्यादा डैश है कि वो अपनी फैमिली से अगेंस्ट नहीं कुछ कर पा रही है,
क्या हो सकता है? सीज टू, टू क्या है? एडवर्ब है, बताया था अभी। ये आपका नेगेटिव भी होता है, ये पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव तब होगा जब टू के साथ टू आएगा, तब टू एडवर्ब नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन केवल टू आ रहा है तो ये पॉजिटिव है। ओके, शी इज टू डैश टू डू एनीथिंग अगेंस्ट, वो इतनी ज्यादा डैश है कि वो ये अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं कर सकती। अगर वो बोल्ड है, शी इज टू बोल्ड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट, अगर बोल्ड है भैया तो वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी कर ले जाएगी, यानी कि आपका ये तो बनेगा नहीं। टायर्ड, वो इतनी टायर्ड है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती है। और आगे का हम देखेंगे, दो तीन और देखेंगे, उसके बाद तब पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ग्रामर में आप जब जाएंगे तो आपको थोड़ा सा समझने को मिलेगा क्या होना चाहिए। देखो, सी क्या है? सी प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, और टू क्या है? एडवर्ब है, ठीक है? प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ध्यान से, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है, और टू क्या है? एडवर्ब है। और टू किसको क्वालिफाई करेगा, यानी एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या तो कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा, या तो फिर खुद को क्वालिफाई करेगा, ठीक है? या तो दूसरे अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। मतलब कहने का ये सेंस था मेरा। तो शी इज टू या टू के बाद आने वाला यहां का जो वर्ड होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि सी को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा और टू को भी, और टू किसको क्वालिफाई करेगा? टू भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, ठीक है? अब देखो, बोल्ड यहां पर नहीं हो सकता है क्योंकि सेंस नहीं बन रहा है। टायर्ड, सॉरी, यहां पर नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव कोई एडजेक्टिव आएगा, ठीक है? चलो, ओके, सो या यहां क्या होगा, थोड़ा सा मिटा देती हूं मैं, कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा, कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा। चलो, तो टायर्ड नहीं होगा, टायर्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा है। टिमिड क्या है? टिमिड आपका एडजेक्टिव है, और कैसा है? नेगेटिव एडजेक्टिव है। अब कोवर्ड का मतलब क्या होता है? कायर है, तो कोवर्ड क्या एडजेक्टिव है? कोवर्ड क्या एडजेक्टिव है? यही तो बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में कि कोवर्ड को हम एडजेक्टिव समझ लेते हैं। कोवर्ड एक्चुअली क्या होता है? कोवर्ड आपका क्या है? नाउन है। कोवर्ड आपका नाउन है, और कोवर्डली क्या होता है? कोवर्डली, कोवर्डली आपका क्या होता है? ये आपका एडजेक्टिव होता है। तो आप जैसे बचपन से पढ़े हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में एल आई लग जाता है वो हमारा एडवर्ब हो जाता है, गलत है। कोवर्डली ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें एल आई होता है लेकिन वो एडजेक्टिव होता है। तो कोवर्ड आपका नाउन है और कोवर्डली आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है? अब हमें तो किसी यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत है, तो क्या हम करेंगे यहाँ पर, यूज क्या करेंगे बताइए आप लोग? कोवर्डली तो है नहीं, कोवर्ड है, कोवर्ड तो नाउन है, अगर ये कोवर्डली होता तो कर देते, लेकिन यहाँ पर ये नाउन है तो इस वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? टिमिड हो जाएगा। टिमिड एडजेक्टिव है, शी इज टू टिमिड टू डू एनीथिंग अगेंस्ट हर फैमिली, वो इतनी कायर है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती है। क्लियर इतनी बात? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेडिटेशन इज डैश वे टू काम योर नर्व्स। मेडिटेशन ऐसा डैश है कि जिसकी वजह से हम अपने नर्व्स को काम कर सकते हैं, ठीक है? क्या होगा? आप बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट और एन बेस्ट। देखो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो आर्टिकल आता है वो हमेशा क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल आता है, यानी सुपरलेटिव कोई भी डिग्री होगी वहां पर हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। आ बेस्ट इस वजह से एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि आ आर्टिकल यूज हुआ जो कि इनडेफिनेट है। वन ऑफ द बेस्ट हो सकता था, वन ऑफ द, मेजोरिटी ऑफ द, प्लेंटी ऑफ द, आ नंबर ऑफ द, द नंबर ऑफ द, सबके साथ जो नाउन आता है हमेशा कैसा रहेगा नाउन? वो हमेशा वो नाउन आपका प्लूरल रहेगा, ठीक है? वन ऑफ द नंबर, ईच ऑफ, एनी ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सभी के साथ हमेशा नाउन कैसा आता है? प्लूरल आता है, ठीक है? यहां अगर वेज होता तो वन ऑफ द सही रहता, बट यहाँ वे है तो ये भी एलिमिनेट हुआ। द बेस्ट यहाँ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, एन बेस्ट नहीं होगा, ये भी इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। ऐसा आशा किया जाता है सेटलमेंट, सेटलमेंट क्या है? नाउन है, क्योंकि इसके पहले क्या है? आर्टिकल है। डिपेंड्स, डिपेंड्स वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल, डैश ऑफ द डिस्कशन, ये भी आपका नाउन है। अब यहां क्या हो सकता है आंसर? ऑप्शंस है आपके पास में। फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स का मतलब होता है
कि जब भी कोई रिसर्च हम कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट के बारे में हम पता करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइंडिंग्स बोलते हैं। यानी किसी रिसर्च का जब रिजल्ट मिलता है तब उसको हम बोलते हैं फाइंडिंग्स। यहाँ तो डिस्कशन के सेटलमेंट की बात हो रही है, डिस्कशन के बारे में बात हो रही है, रिसर्च तो है नहीं, मतलब ये भी एलिमिनेट हुआ। आउटकम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रिजल्ट, एंड कॉमनली यूज करते हैं हम ये डिस्कशन के लिए। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। अगर हमें किसी चीज में अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस मिल जाता है, सफलता मिल जाता है, तो हम वहां बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ठीक है, क्या हो सकता है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय करना। जैसे जो हर 1st जनवरी में हम करते हैं और 2nd जनवरी को हम तोड़ देते हैं, तो वो हमारा रेजोल्यूशन होता है। ब्रेक थ्रू मतलब अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, और आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। एक बार आउटकम यहाँ पर रख के देखो, होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द डिस्कशन। यानी कि जो सेटलमेंट, जो कुछ भी सेटलमेंट होगा वो डिस्कशन के रिजल्ट पर डिपेंड करता है, कि जो भी डिस्कशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर क्या करता है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो आंसर क्या बनेगा आपका, बी बनेगा, आउटकम। आउटकम यानी रिजल्ट पे, उस डिस्कशन के आउटकम पे डिपेंड करता है। द कैंपर्स, कैंपर्स यानी जो कंपेनिंग के लिए जाते हैं, कंपेनिंग माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, उनको हम कैंपर्स बोलते हैं। अब देखो, कह रहे हैं कि द कैंपर्स डैश देयर टेंट्स, टेंट्स यानी जो शिविर लगाते हैं, जो टेंट्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं, देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन। अब देखो, द कैंपर्स डैश देयर टेंट्स, वो अपने टेंट्स को क्या करते हैं, एट द बेस ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बेस में, माउंटेन के बेस में मतलब माउंटेन के निचले स्तर पे वो अपने टेंट्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं, डैश करते हैं। देखते हैं डैश में क्या आ सकता है, एस्टैब्लिश करना। एस्टैब्लिश हम तब यूज करते हैं जब कोई हम चीज को क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, और यहाँ इसका कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, आंसर हम दूसरे पे देखेंगे, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब होता है गाड़ना, जैसे कोई हैंडपंप हो गया उसको गाड़ने की बात हो रही है, तो परमानेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, परमानेंट सेंस आता है इसका। हमें क्या लेना है, हमें टेम्परेरी सेंस लेना है, किसी भी चीज का हमें टेम्परेरी सेंस लेना है। तो ग्राउंडेड का मतलब होता है परमानेंट, आप उसको क्या कर रहे हो, किसी चीज को ग्राउंड कर रहे हो, किसी चीज को गाड़ रहे हो। ठीक है, इंस्टॉल करना मतलब जारी करना, इंस्टॉल का मतलब क्या होता है, जारी करना, तो जारी करना यहाँ कोई सेंस नहीं मिला। और पिस्ट का मतलब क्या होता है, गाड़ना, और ये आपका टेम्परेरी होता है। पिस्ट मतलब होता है गाड़ना, और ये क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है, और ये आपका परमानेंट होता है। एस्टैब्लिश भी आपका क्या है, स्थापना के लिए यूज करते हैं, और ये अभी आपका क्या होता है, परमानेंट होता है। आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बनेगा आपका डी, पिस्ट। द कैंपर्स पिस्ट देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन, फिर सुबह उसको निकाल के घूमने चले जाएंगे कहीं और, उसको गाड़ देंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे आएंगे हम। वी आर हैप्पी टू डैश द रिसीप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर डैश 4071 डेटेड एंड डेट दिस मॉर्निंग। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, रिस्पॉन्ड करना। रिसीप्ट क्या होता है, पहले ये समझ लो, रिसीप्ट आपका नाउन है। जब भी कोई सामान लेने जाते हो तो वहां आपको पर्ची मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिसीप्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम रिसीप्ट बोलते हैं। अब हम अगर किसी ऑर्डर, कोई हमने कुछ ऑर्डर किया और उसका हमें रिसीप्ट मिल गया, उस रिसीप्ट के साथ हम क्या करते हैं, वी आर हैप्पी टू व्हाट, वी आर हैप्पी टू एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, किसी को अलाउ करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ये भी एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करते हो या एडमिट करते हो। एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेज का मतलब होता है प्रूफ, एक्नॉलेज का मतलब होता है प्रूफ। और रिस्पॉन्ड का मतलब होता है उत्तर देना, रिस्पॉन्स करना। तो आपको पता होगा कि आप पिछले टाइम में जब भी कोई फॉर्म स्कूल कॉलेज में आप फिल करते थे तो आपको एक्नॉलेजमेंट का लेटर आता था, तो वहां पर उस बात का प्रूफ होता था कि आपने इतनी इतनी फीस अपनी जो है अपनी जमा करी, और आपका ये एक्नॉलेजमेंट का लेटर है, इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना फीस सबमिट किया है, आगे आपको कितना सबमिट करना है, वगैरह वगैरह सब सब समथिंग। तो वहां पर इस लेटर के बारे में मिल रहा है कि वी आर हैप्पी टू एक्नॉलेज द रिसीप्ट ऑफ योर ऑर्डर नंबर। ठीक है, सो यहाँ आंसर क्या बनेगा, एक्नॉलेज बनेगा, एडमिट एक्सेप्ट नहीं बनेगा। ठीक है, सो हमने 20 क्वेश्चन फिलर्स की कर ली है, आगे भी हम क्लॉज टेस्ट करेंगे। पहले फिलर हमारा इंपॉर्टेंट था क्योंकि फिलर के थ्रू हमें पता तो चलेगा कि हम छोटे छोटे फिलर्स को कैसे करें, उसके बाद में बड़े फिलर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड गाइस अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे लिए शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव है वहां शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।